2020 में बॉलीवुड अपने फैंस के लिए खास सौगात लेकर आ रहा है। इस साल आमिर खान, अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, कंगना रनौत, अक्षय कुमार, सलमान खान, आयुष्मान खुराना जैसे बड़े सितारों की फिल्म रिलीज होनी है। सस्पेंस, कॉमेडी, एक्शन, बायोपिक, रीमेक, सीक्वल सबका तड़का है 2020 में। हर साल जहां ईद में सलमान खान की फिल्म रिलीज होती थी, लेकिन इस बार अक्षय कुमार की लक्ष्मी बॉम्ब और सलमान खान की राधे एक ही दिन मई में ईद पर रिलीज होगी। लक्ष्मी बॉम्ब में अक्षय पहली बार एक ट्रांसजेंडर का रोल प्ले कर रहे हैं और ये तमिल हॉरर कॉमेडी फिल्म कंचना की रीमेक है। वहीं मार्च में वे रोहित शेट्टी के एक्शन फिल्म सूर्यवंशी में नजर आएंगे। इस फिल्म में सिंघम, अजय देवगन और सिम्बा रणवीर सिंह भी कैमियो में दिखेंगे। पृथ्वीराज चौहान पर बनी ऐतिहासिक फिल्म पृथ्वीराज में भी अक्षय कुमार नजर आएंगे। यशराज की इस फिल्म में अक्षय कुमार और मिस वर्ल्ड रह चुकी मानुषी छिल्लर होंगे। वहीं आमिर खान के फैंस को क्रिसमस का इंतजार करना होगा, जब उनकी बहुचर्चित फिल्म लाल सिंह चड्ढा रिलीज होगी। आमिर खान का साथ देगी करीना कपूर। जनवरी 24 को कंगना रनौत की फिल्म पंगा आ रही है, जिसमें वह एक ऐसे कबड्डी चैंपियन का रोल प्ले कर रही है जिसे दुनिया भूल चुकी है और वह घर गृहस्थी में कहीं खो सी गई है। यह फिल्म उनके वापसी की कहानी है और असली किरदार पर आधारित है। अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना सुजीत सरकार की अगली फिल्म गुलाबो सिताबो में नजर आएंगे। अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना को पहली बार एक साथ बड़े पर्दे में देखने के लिए फैन उत्सुक है। नए साल में विद्या बालन की फिल्म शकुंतला देवी भी आ रही है, जिन्हें असली जिंदगी में ह्यूमन कंप्यूटर कहा जाता था। विकी कौशल सरदार उधम सिंह नाम की बायोपिक फिल्म में अक्टूबर में नजर आएंगे। उधम सिंह को अंग्रेजों ने 31 जुलाई 1940 को फांसी पर चढ़ा दिया था। वहीं कबीर खान और रणवीर सिंह की फिल्म 83, जो भारतीय क्रिकेट टीम की 1983 की ऐतिहासिक जीत पर बनी है, इसी साल रिलीज होगी। 2020 में रीमेक और सीक्वल फिल्मों की भरमार है। बागी 3, हंगामा 2, भूल भुलैया 2, शुभ मंगल ज़्यादा सावधान, सड़क 2, इसमें से सबसे ज़्यादा नजरें हैं सड़क 2 पर। महेश भट्ट करीब 20 साल बाद किसी फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं और पहली बार आलिया भट्ट के साथ काम करेंगे। फिल्म में पूजा भट्ट और संजय दत्त भी होंगे। 2020 रहेगी बॉलीवुड फैंस के लिए खास। 100 करोड़ के क्लब में कितनी फिल्में शामिल होंगी देखते हैं।